आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस समय हम लोग समझ रहे हैं कि सम्यक स्मृति का अभ्यास कैसे करें। आप देखिए कि पिछली कड़ी में कैसे तथागत समझा रहे हैं कि जो धर्मानुपस्सी है वो सातों बुद्ध्यांगों के साथ एक एक चीज को, मन के विषयों को, मन के एक एक विषय को पृथक पृथक कर देखता है। और जब वो इसमें पक्का हो जाता है, समझ लेता है, जान लेता है, तो इसकी उत्पत्ति को भी जानता है और इसके नष्ट होने के स्वभाव को भी जानता है। और जब इसके नष्ट होने के स्वभाव को वो जानता है तो इस बात को भलीभांति समझ लेता है कि अब भविष्य में इस तरह के विषय, जिन विषयों से आसक्ति उत्पन्न होती है, मोह, क्रोध, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इन विषयों को अब भविष्य में कभी उत्पन्न ना होने दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तथागत कहते हैं कि स्मृति बुद्ध्यांग धर्म विषय संबोधि अंग, वीर्य संबोधि अंग, प्रीति संबोधि अंग, प्रश्रब्धि संबोधि अंग तथा उपेक्षा संबोधि अंग, इन सब के विद्यमान रहने पर विद्यमान है ये वो जानता है। मतलब जहां स्मृति, धर्म, प्रीति, प्रश्रब्धि तथा उपेक्षा, इन चीजों को वो जानता है, तो जानता है तो समझता है कि हाँ मैं जानता हूं, ये जानता है वो। और विद्यमान नहीं रहने पर वो कहता है कि विद्यमान नहीं है, अब ये नहीं है। और इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी वो जानता है। और वो ये भी जानता है कि इसे ये नष्ट होने की क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति है। और इसको जानने के बाद वो इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त होता है अपने स्मृति के स्तर पर कि फिर कभी इन चीजों को उत्पन्न ना होने दे। क्योंकि पिछला अनुभव होता है कि वो कौन सी स्थिति थी जिसके कारण मन में आसक्ति उत्पन्न हुई, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, मन विचलित हुआ, ये वो जानता है। और इन स्थितियों को जब वो जान लेता है तो पुनः पुनः उनको उपस्थित नहीं होने देता, उन्हें अपनी स्मृति के पटल पर आने ही नहीं देता, क्योंकि उस चीज को वो जान चुका होता है। फिर तथागत कहते हैं कि ये दुख है, इसे, ये जो धर्मानुपस्सी होता है, मन के विषयों को जानने वाला, ये जान लेता है कि ये दुख है और इसके यथार्थ रूप से वो उसे जान लेता है। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कह दिया कि ये दुख है इसलिए वो जानता है, नहीं, अपनी अनुभूति के स्तर पर वो जानता है कि ये दुख है, ये दुख का समुदाय है। देखिए कि ये दुख है और ये दुख का समुदाय है, ये यहां से उसका उदय हो रहा है। फिर वो ये जानता है, उसको यथार्थ रूप में जानता है और फिर ये जानता है कि ये है दुख का निरोध। ये जो इसका उदय हुआ है इसका निरोध कैसे करें, तो इसका निरोध वो जानता है और उसको यथार्थ रूप में जानता है। फिर उसके बाद ये दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है इस बात को भी वो जान लेता है। सम्यक स्मृति का इतना सूक्ष्म अभ्यास है। देखिए अगर तथागत की इस पूरी सीख को, इस पूरी समझ को थोड़ा गंभीरता से अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए आधुनिक विज्ञान जिस तरह से संशोधन करता है, अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान के संशोधनों की बात करें तो वो मनोविज्ञान पर इतनी ही बारीकी से सोचता है। तथागत ने अब से 2500 साल पहले उन लोगों को जो उनके सामने बैठे थे, चाहे फिर वे भिक्षु हो, भिक्षुणियाँ हो, उपासक हो, उपासिकाएँ हो, इन सब के सामने इस बात को बड़े ही सूक्ष्म तरीके से उसके स्थूल रूप में खोल कर रख दिए और उसको समझाए। अब देखिए फिर तथागत क्या कहते हैं कि वो ये जानता है कि ये दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है और इसे यथार्थ रूप से वो जानता है। और इस प्रकार भीतरी धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर वो विहरता है। भीतरी धर्मों में
जो हमारे अंदर जो मन के विषय हैं, इन विषयों को बहुत बेहतर तरीके से जानकर वो इसमें विहरता है, और फिर बाहरी धर्मों में भी धर्मानुपस्सी होकर वो विहरता है, भीतर बाहर धर्मों में धर्मानुपस्सी होकर वो विहरता है, और धर्मों में उत्पत्ति यानी कि धर्म को देखता है, धर्म में व्यय को वो देखता है, यानी उसके व्यय और उदय, उदय व्यय, इन दोनों चीज़ों को वो देखता है कि ये कैसे उत्पन्न होते और कैसे खत्म हो जाते हैं, कैसे उत्पन्न होते और कैसे खत्म हो जाते हैं, और ये इनके उत्पन्न होने का और नष्ट होने का सिलसिला चलता ही रहता है, ये कहीं रुकता नहीं, और हर वक्त वो चीज़ें अपने आप को बदलती चलती है, लेकिन परिवर्तन बड़ा सूक्ष्म होता है। हमें सामान्य रूप से जब तक हम उस पर वर्कआउट नहीं करते तब तक वो नहीं समझ में आता। अब देखिए कि ये जो उदय और व्यय को वो देखता है, तो धर्मों में समुदाय व्यय को वो देखता है, और धर्म है करके इसकी स्मृति केवल ज्ञान और स्मृति बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती है, इसकी स्मृति केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती है। वह अनाश्रित होकर विहरता है, इन सब पर वो आश्रित नहीं होता, इन पर अनाश्रित हो जाता है और अनाश्रित होकर विहरता है। लोक में किसी भी वस्तु को वो मैं या मेरा इस रूप में कभी ग्रहण नहीं करता, वो इसे कभी नहीं मानता कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा वो कभी नहीं मानता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि कोई भी चीज़ मैं या मेरा वाली स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो बस उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। और ये जो उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये जो प्रकृति का नियम है, इस प्रकृति में हो रहे ये जो परिवर्तन है, जो दिखते बहुत कम है, लेकिन अगर उसकी कड़ी में उसको देखा जाए तो उसकी एक बड़ी श्रृंखला नजर आती है, बड़ी श्रृंखला। और जब इस श्रृंखला को वो जान लेता है, तब फिर वो कभी उन चीजों में नहीं फंसता जो चीजें आसक्त करती हैं, जो ईर्ष्या की ओर लेकर जाती हैं, जो घृणा के भाव को देती हैं, जो क्रोध में उपस्थित करती हैं, उन चीजों की ओर कभी नहीं फंसता, क्योंकि वो जान लेता है। जो कोई इन स्मृति उपस्थानों की 7 वर्ष तक भावना करें, देखिए तथागत कहते हैं कि यदि वो 7 वर्ष तक इसकी भावना करें, यह पुस्तक वास्तव में सच संग हो है, ये त्रिपिटक का एक छोटा सा पुस्तक है, और इसमें तथागत जो समझा रहे हैं वो बात है। ये मूल पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है जो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। देखिए तथागत क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं कि इन उपस्थानों का जो 7 वर्ष तक भावना करें, उसे 2 फलों की प्राप्ति होती है, और ये इसी जन्म में, वो इसी जन्म में अर्हत्व उपादान अवशिष्ट रहने पर अनागामी भाव को प्राप्त करता है, अनागामी भाव या तो अर्हत्व वो प्राप्त कर लेता है, इन सारी झंझटों से वो छूट जाता है, जिन झंझटों से दुख उत्पन्न होता है, और वो उस राह पर चल देता है जो दुख मुक्ति की राह है। तथागत कहते हैं कि 7 वर्ष की बात तो रहने दीजिए, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 1 मास, सप्ताह भर की भी ये भावना वो अगर करता है, सम्यक स्मृति का ये अभ्यास बड़ी गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से अगर वो कर लें, तो उसे 2 फलों में से एक अवश्य प्राप्त होगा, या तो वो इसी जन्म में अर्हत्व को प्राप्त कर लेगा, या फिर वो अनागामित्व को प्राप्त कर लेगा, अनागामी भाव को प्राप्त कर लेगा, और इस तरह वो अपनी इस बात को, सम्यक स्मृति के अभ्यास को किसी फल प्राप्ति की ओर लेकर चलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, तथागत का ये जो मार्गदर्शन है, उनके स्वयं की अनुभूति से व्यक्त हुआ ये मार्गदर्शन है, जिसे हम जितना चाहें अपने पक्ष में लें, अमृत है, जितना चाहें चख लें। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इन्हीं वचनों की इसी बात को, इस मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।